रिसालतुल हुकूक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक तुलानी हदीस जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने इंसान के जिम्मे मुख्तलिफ हुकूक को बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का हक, अल्लाह का हक सबसे बड़ा है और वो ये है कि तुम उसी की इबादत करो और किसी चीज को उसका शरीक करार न दो। जब तुमने खुलूस के साथ उसकी इबादत की तो उसने भी अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि वो दुनियावी और उखरवी चीज़ों में तुम्हारी किफ़ायत करे और तुम्हारे लिए तुम्हारी महबूब व पसंदीदा चीज़ों को महफूज रखे। नफ्स का हक, तुम्हारे नफ्स का तुम पर यह हक है कि उसे भरपूर तरीके से राह खुदा में मशगूल रखो। अगर तुमने ऐसा किया तो गोया तुमने अपनी जबान का हक, अपने कान का हक, अपनी आंख, हाथ, पांव और शिकम और शर्मगाह का हक अदा कर दिया। और देखो उनके हुकूक की अदायगी में खुदा से मदद तलब करते रहो। जबान का हक, जबान का हक ये है कि उसे गाली गलौज से महफूज रखो और उसे नेको मुनासिब बात कहने का आदी बनाओ, उसे बादब बनाओ, उसे जरूरी बातों और दीनो दुनिया के फायदे के अलावा बंद ही रखो और ज्यादा चलने बेफायदा बोलने से रोको, क्योंकि तुम उसके नुकसान से महफूज नहीं हो और उसका फायदा कम है। जबान अक्ल की गवाह और उसकी दलील समझी जाती है और अक्लमंद का अक्ल के जेवर से आरास्ता होना उसकी खुश बयानी है। मदद तो बस खुदाए बुजुर्गो बरतर ही की तरफ से है। कान का हक, कान का हक ये है कि तुम उसे हर चीज के लिए अपने दिल का रास्ता बनने से दूर रखो। हाँ, उसे दिल में पैदा होने वाली उस नेक बात का रास्ता बनाओ जो तुम्हारे दिल में पैदा हो और उस बात के लिए जो तुम्हें बेहतरीन अखलाक से आरास्ता करे, क्योंकि कान दिल तक बात पहुंचाने का जरिया है और दिल बेहतरीन मानी को दर्क करता है। कान तक खैर या शर को पहुंचाता है और ताकत और कुव्वत तो सिर्फ खुदा की है। आंख का हक, आंख का हक तुम पर यह है कि उसको उस चीज से बंद कर लो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है और आंख से वही देखो जिसमें इबरत हो और जिससे तुम में बसीरत आ जाए और जहां से तुम कोई इल्म हासिल कर सको, क्योंकि आंख इबरत हासिल करने का जरिया है। पैर का हक, तुम्हारे पैरों का हक ये है कि उनसे उस चीज की तरफ न जाओ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है और उन्हें उस रास्ते के लिए अपनी सवारी न बनाओ जो चलने वाले की शर्मिंदगी का सबब होता है, क्योंकि वो तुम्हें उठाते हैं और दीन की तरफ ले जाते हैं और तुम्हारे आगे बढ़ने का सबब होते हैं और खुदा के अलावा कोई कुव्वत और ताकत नहीं है। हाथ का हक, तुम्हारे ऊपर हाथ का हक यह है कि उसे हराम चीज की तरफ ना बढ़ाओ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आखिरत में खुदा के अजाब में मुब्तला होगे और दुनिया में भी लोगों की मलामत से महफूज नहीं रहोगे। और उसे उस चीज से न रोको जो खुदा ने उस पर वाजिब की है। उसका एहतराम इस तरह करो कि उससे नाजायज काम न करो और उसे उन चीजों के लिए खोलो जिनमें उसका नुकसान न हो। फिर अगर इस दुनिया में हाथ हराम से बाज रहे या अक्ल व शराफत से काम लिया तो आखिरत में उनके लिए बेहतरीन सवाब है। पेट का हक, तुम्हारे पेट का हक यह है कि उसे थोड़े या ज्यादा हराम का जर्फ न बनाओ बल्कि हलाल में से भी उसे जरूरत के मुताबिक दो। उसे बदन की मजबूती की हद से निकाल कर पेट भरने और बेमुरवती की हद तक न पहुंचाओ और जब वो भूखो प्यास में उबतला हो तो उसे काबू में रखो, क्योंकि भरा पेट सुस्ती और काहली का बायस होता है और हर नेक और अच्छे काम के अंजाम देने से इंसान को रोकता है। और जो शराब अपने पीने वाले को मस्त कर दे वो उसकी शर्मिंदगी, नादानी और बेमुरवती का सबब होती है। शर्मगाह का हक, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी शर्मगाह का हक ये है कि उसे हराम से महफूज रखो और शर्मगाह के सिलसिले में आंखें बंद रखना तुम्हारे लिए बेहतरीन मददगार है। भूख, प्यास और मौत की याद और अपने नफ्स को खुद खुदा से डराकर भी मदद हासिल करो, क्योंकि पाक दामनी और ताईद खुदा ही की तरफ से होती है और उसकी ताकत और कुव्वत के अलावा कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। नमाज का हक, तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि नमाज तुम्हें खुदा के करीब पहुंचाती है
और तुम खुदा के सामने खड़े हो। जब तुम्हें ये एहसास हो जाए तो इस तरह खड़े होना चाहिए जैसे कोई जलील, आजिज, मुश्ताक, हैरानो खौफ जदा, उम्मीदवार, मोहताज, गिरियोजारी करने वाला खड़ा होता है। और जिसके सामने तुम खड़े हो उसकी अजमत को महसूस करते हुए सुकून के साथ सर झुकाए, खुजू खुशू के साथ मुनाजात और दुआ के जरिए खुद को उन खताओं से आजाद करने की इल्तिमास करो जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। उन गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करो और कोई ताकत और कुव्वत नहीं सिवाय खुदा के। रोजे का हक। रोजे का हक यह है कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि रोजा एक पर्दा है जो खुदा ने तुम्हारी जबान, कान, आंख, शर्मगाह और तुम्हारे पेट पर डाल दिया है कि उसके जरिए तुम्हें आग से बचाए। इसी तरह हदीस में भी बयान हुआ है, रोजा जहन्नम से बचने के लिए तुम्हारी ढाल है। अगर इस पर्दे से तुम्हारे आज़ाओ जवारेह को आराम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये उम्मीद हो गई है कि तुम पर्दे में हो, और अगर तुमने इस पर्दे का पासो लिहाज न किया तो तुमने उसके पर्दे में खलल और रखना डाल दिया है। और जब तुमने पर्दा उठाया तो तुम्हारी निगाह उस चीज को देखेगी कि जिसको तुम्हें नहीं देखना चाहिए। वो शहवत को भड़काने वाली है, वो तुम्हें खुदा की पनाह से निकाल देगी। और जहाँ पर्दा चाक हो जाए और तुम उससे बाहर निकल जाओ तो वहाँ तुम्हें खुद को महफूज नहीं समझना चाहिए। कुव्वत और ताकत खुदा ही की है। हज का हक। हज का हक ये है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ एक सफर और तुम्हारा अपने गुनाहों से उसकी तरफ फरार है। हज के वसीले से तुम्हारी तौबा कबूल होती है और तुम इस अमल के जरिए उस वाजिब को अंजाम देते हो जिसको खुदा ने तुम पर फर्ज करार दिया है। सदक़े का हक। सदक़े का हक ये है कि तुम्हें मालूम हो कि ये तुम्हारे परवरदिगार के पास तुम्हारा जखीरा और अमानत है कि जिसके लिए गवाह लाने की जरूरत नहीं है। और जब तुम्हें ये मालूम हो गया तो जो सदका तुम छुपा कर दोगे उससे तुम उस सदक़े की बनिस्बत ज्यादा मुतमईन रहोगे जो तुम खुल्लम खुल्ला देते हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जो तुमने जाहिरी तौर पर किया है अब उसे छुपा कर अंजाम दो। बहरहाल तुम इस तरह सदका दो कि उसे न कान सुने और न आंखें देखें, बल्कि सरबस्ता तौर पर दो और तुम्हें उस पर ये एतमाद रहे कि वो तुम्हारी तरफ पलट कर आएगा। उस शख्स की मानिंद न हो जाओ कि जो सदके के वापस लौटने पर एतमाद नहीं रखता है। फिर अपने सदके के जरिए किसी पर एहसान न जताओ क्योंकि वो तुम्हारा ही है। अगर उस पर एहसान जताओगे तो तुम महफूज नहीं रहोगे बल्कि उसी बदहाली में मुब्तला होगे जिसमें वो शख्स मुब्तला है जिस पर तुमने एहसान जताया है, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि तुमने ये नहीं चाहा कि वो माल तुम्हारा रहे। अगर तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बाकी रहे तो किसी पर एहसान न जताते। ताकत सिर्फ खुदा की है। कुर्बानी का हक। कुर्बानी का हक ये है कि तुम उसे अपने परवरदिगार के लिए खुलूस के साथ अंजाम दो और उसे उसकी रहमतों कबूलियत के लिए पेश करो, लोगों के खाने के लिए नहीं। अगर तुम इस तरह कुर्बानी करोगे तो खुद को जहमत में नहीं डालोगे और न तकल्लुफ करोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा मकसद अल्लाह के लिए कुर्बानी है। जान लो कि तुम खुदावंद आलम की बारगाह में आसानी से हाजिर हो सकोगे और जहमत व मशक्क़त की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि खुदा ने बंदों की तकलीफ को आसान कर दिया है, उन्हें सख्ती में मुब्तला नहीं करना चाहा, इसी तरह उसकी बारगाह में तुम्हारा इनकसारी के साथ इजहार करना तुम्हारे लिए तकब्बुर करने से बेहतर है, क्योंकि कुलफत व मशक्क़त जाहो मनसब के भूखे लोगों के लिए है। लेकिन फ्रूतनी और दरवेश मनीषी में ना तो कोई तकलीफ है और ना ही कोई खर्च, क्योंकि ये फितरत व सरिश्त के मुताबिक है और तबीयत में मौजूद है, और ताकत व कुव्वत सिर्फ खुदा की है। उस्ताद का हक। तुम्हारे ऊपर उस्ताद का हक ये है कि उसकी ताजीम करो और उसके दर्स का एहतराम करो और उसके दर्स को गौर से सुनो और हमतन गोश रहो, उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हें उस चीज की तालीम दे जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस सिलसिले में तुम अपनी अक्ल को तैयार करो और अपने अक्लो शऊर और दिल को उसके हवाले कर दो और लज्जतों को छोड़कर और ख्वाहिशों को कम करके अपनी नजर को उस पर गाड़ दो। तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि जो चीज वो तुम्हें तालीम दे रहा है उसमें तुम उसके कासिद हो, चुनांचे तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि उस चीज की तुम दूसरों को तालीम दो और उस फर्ज को तुम बखूबी अदा करो।
और उसका पैगाम पहुंचाने में खयानत न करो, और जिस चीज को तुमने अपने जिम्मे लिया है उस पर अमल करो, और ताकत व कुव्वत सिर्फ खुदा की तरफ से है। रईयत का हक। रियाया का हक यह है कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुमने अपनी ज्यादा ताकत से उन्हें अपनी रईयत बना लिया है, तो ये उनकी कमजोरी और आजिजी थी जिसने उन्हें रईयत की जगह पहुंचा दिया, तो उसका क्या हक है कि जिसकी कमजोरी और जिल्लत ने तुम्हें इतना बेनियाज कर दिया कि उसे तुम्हारी रईयत बना दिया और उस पर तुम्हारे हुक्म को नाफिज कर दिया। अब वो अपनी ताकत व इज्जत के साथ तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसे तुम्हारे रहम और हिमायत और सब्र व तसल्ली के अलावा तुम्हारी जो बात नागवार गुजरती है तो उसमें वो खुदा ही से मदद चाहता है। और जब तुम्हें ये मालूम हो कि खुदा ने तुम्हें कितनी इज्जत व कुव्वत अता की है कि जिसके जरिए तुम दूसरों पर गालिब आ गए, तो उस वक्त तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है सिवाय इसके कि तुम खुदा के शुक्रगुजार हो जाओ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है खुदा उसको ज्यादा नेमत अता करता है, और खुदा की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। शागिर्द का हक। लेकिन तुम्हारी इल्मी रियाया यानी शागिर्दों का हक यह है कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें जो इल्म अता किया है और हिकमत का जो खजाना तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें शागिर्दों का सरपरस्त बनाया है। फिर अगर तुमने उस सरपरस्ती के हक को अच्छी तरह अदा कर दिया और उनके लिए मेहरबान खजानची और खैरख्वाह आका करार पाए जो कि साबिर और खा है, जब वो किसी जरूरतमंद को देखता है तो वो अपने पास मौजूद अमवाल में से उसे दे देता है, तुम बाईमान खादिम हो, वरना खुदा के खयानतकार और उसकी मखलूक के लिए जालिम इज्जत व नेमत के छिन जाने का सबब हो। शरीक हयात का हक। निकाह के जरिए जो हक तुम्हारे ऊपर मुसल्लम हो गया है वो ये है कि तुम ये जान लो कि उसे खुदा ने तुम्हारे लिए बायस सुकून व आराम और मोनिस व अनीस और मुहाफिज करार दिया है। इसी तरह तुम दोनों पर यह फर्ज है कि अपने शरीक हयात के वजूद पर शुक्र खुदा अदा करे और ये जान ले कि यह खुदा की नेमत है जो उसने उसे अता की है, इसलिए जरूरत है कि वो खुदा की नेमत की कद्र करे और उसके साथ नरमी से पेश आए। अगर तुम्हारी शरीक हयात पर तुम्हारा हक ज्यादा सख्त है और जो तुम पसंद करते हो और जो पसंद नहीं करते उसमें उस पर तुम्हारी इताअत ज्यादा लाजिम है, बस उसमें गुनाह ना हो, लेकिन उसका भी तुम पर यह हक है कि तुम उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ और वो भी उस लज्जत अंदोजी के लिए तुम्हारे लिए सुकून का मरकज है कि जिससे फरार नहीं है, और ये खुद बहुत बड़ा हक है और खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं है। गुलाम का हक। तुम्हारे गुलाम का तुम्हारे ऊपर ये हक है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हारे परवरदिगार ही का पैदा किया हुआ है, वो भी तुम्हारी तरह गोश्त और खून वाला है। तुम इसलिए उसके मालिक नहीं हो कि तुमने उसे पैदा किया है, बल्कि उसे खुदा ने पैदा किया है, और न तुमने उसको कान और आंख अता की है और न उसकी रोजी तुम्हारे हाथ में है, बल्कि इस सिलसिले में खुदा ने तुम्हारी मदद की है कि उसे तुम्हारा ताबे कर दिया और तुमको उसका अमानतदार करार दिया और उसे तुम्हारे हवाले कर दिया ताकि तुम उसकी हिफाजत करो और उसके साथ उसी जैसा सुलूक करो, उसे वही खाना खिलाओ जो तुम खाते हो और वही कपड़ा पहनाओ जो तुम पहनते हो, और उसको उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ ना दो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसकी जिम्मेदारी से बरी हो जाओ जो खुदा की तरफ से तुम पर लाजिम की गई है, और उसको दूसरे गुलाम से बदल लो। खुदा की मखलूक को तकलीफ न दो कि खुदा के अलावा कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। माँ का हक। माँ का हक यह है कि तुम जान लो कि उसने खुशी खुशी तुम्हारा भार उठाया, उसने अपना खूने जिगर तुम्हें पिलाया है जबकि इस तरह कोई फिदाकारी नहीं करता, और अपने सारे उज़्र से तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें आफतों से दूर रख के जन्म दिया। माँ का हक यह है कि तुम जान लो कि उसने तुम्हें उस वक्त ढोया जब कोई किसी को नहीं ढोता, और अपने खूने जिगर से तुम्हें सैराब किया, खुद भूखी रही लेकिन तुम्हें खिलाया, खुद प्यासी रही लेकिन तुम्हें पानी पिलाया, उसके पास कपड़े नहीं थे लेकिन तुम्हें पहनाया, खुद धूप में रही लेकिन तुम्हें साये में रखा। बस इन जहमतों की कदर करते हुए अपनी माँ का शुक्र अदा करो। ये शुक्र और कदरदानी खुदा की मदद और तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। बाप का हक। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाप का हक ये है
कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हारी असलो बुनियाद है और तुम उसकी शाख हो। अगर वो ना होते तो तुम्हारा वजूद ना होता। बस जब तुम अपने अंदर कोई ऐसी चीज देखो कि जो तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तिला कर दे, तो उस वक्त तुम ये ख्याल करो कि इस नेमत का सबब तुम्हारा बाप है और उस पर खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करो, और खुदा के अलावा कोई ताकत व कुव्वत नहीं है। औलाद का हक। तुम्हारे ऊपर बेटे का हक यह है कि तुम ये जान लो कि वो तुम्हारा ही है, दुनिया में तुम ही से वाबस्ता है और उसकी नेकी और बुराई भी तुम्हारी तरफ मंसूब होती है, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि उसे अदब सिखाओ, उसके परवरदिगार की तरफ उसकी रहनुमाई करो और उसकी इताअत में उसकी मदद करो। अगर तुम इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे तो सवाब पाओगे, और अगर इसमें कोताही करोगे तो सजा पाओगे। बस उसके लिए इस तरह नेक अमल करो कि उसका हुस्न जमाल दुनिया में जाहिर हो जाए, और उसकी जो बेहतरीन सरपरस्ती तुमने की है और जो नतीजा तुमने हासिल किया है, वो खुदा की बारगाह में तुम्हारे और उसके दरमियान एक बहाना और जवाज बन सके। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई का हक। जान लो, तुम्हारे भाई का हक ये है कि वो तुम्हारा हाथ है जिसे तुम फैलाते हो, ऐसा मददगार है जहां तुम पनाह लेते हो, वो काबिले एतमाद इज्जत और ऐसी ताकत है जिससे तुम हमला करते हो। देखो, उसे अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह का जरिया न बनाना और ना ही उसके तवस्सुस से मखलूक खुदा पर जुल्म करना। उसकी मदद करने में, दुश्मन से मुकाबले में उसकी नुसरत करने में, शैतान और उसके दरमियान हायल होने और उसकी खैरखाही और उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ ले जाने में कोताही न करना। अब अगर वो अल्लाह का फरमा बरदार है तो ठीक, वरना तुम्हारे नजदीक अल्लाह हर चीज से ज्यादा मोहतरम होना चाहिए। आजाद करने वाले का हक। जिसने तुम्हें आजाद किया उसके बारे में जान लो कि उसका हक यह है कि उसने तुम्हारे लिए अपना माल खर्च किया और तुम्हें गुलामी की जिल्लत और वहशत से निकाल कर आजादी की इज्जत में पहुंचा दिया, तुम्हें असीरी की जिंदगी और गुलामी की जंजीर से नजात दिलाई, तुम्हारे लिए इंसाफ की बात की और सारी दुनिया को तुम्हारे लिए मुबाह कर दिया, और तुम्हें तुम्हारे नफ्स का मालिक बना दिया, तुम्हें जिंदान से रिहा कराया और परवरदिगार की इबादत के लिए मौका फराहम किया। उसने अपने माल की कमी बर्दाश्त की तो रिश्तेदारों के बाद मौत और जिंदगी में वो तुमसे सबसे ज्यादा करीब होना चाहिए। आजाद शुदा का हक। और जिसको तुमने गुलामी से आजाद किया तो जान लो उसका तुम्हारे ऊपर ये हक है कि अल्लाह ने तुम्हें उसका हामी, पुश्त पनाह और मददगार करार दिया है और उसे तुम्हारे और अपने दरमियान वास्ता बनाया है ताकि तुम्हें जहन्नम से दूर रखे। ये आखिरत का सवाब है, और दुनिया में अगर उसका कोई वारिस ना हो तो उस माल और जिम्मेदारी के बदले जो तुमने उसकी आजादी में अदा की है, उसकी मीरास के मालिक हो। अगर उसके हुकूक के रियायत नहीं करोगे तो इस बात का खौफ उसकी जायदाद तुम्हारे लिए जायज ना हो। वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एहसान करने वाले का हक। और जिसने तुम पर एहसान किया उसका तुम पर यह हक है कि उसका शुक्रिया अदा करो और उसकी खूबियां बयान करो और उसकी अच्छी बातों को फैलाओ और उसके लिए खुलूस के साथ खुदा से दुआ करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो गोया तुमने खुल्लम खुल्ला और खुफिया तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया। अब अगर उसकी मोहब्बत का बदला देने की सलाहियत हो तो उसे दो, वरना उस एहसान का बदला देने के लिए खुद को आमादा करो और उसका इंतजार करो। मुअज्जिन का हक। और मुअज्जिन का हक यह है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार को याद दिलाने वाला है और तुम्हें तुम्हारे हिस्से की तरफ बुलाने वाला है, और जो अमल खुदा ने तुम पर वाजिब किया है उसमें वो तुम्हारा बेहतरीन मददगार है। तुम्हें उसकी कद्र इसी तरह करना चाहिए जिस तरह तुम अपने मोहसिन की कद्र करते हो। अगर तुम अपने घर में उससे बदगुमान हो तो उसके उस काम में बदगुमानी न करना जो कि वो खुदा के लिए कर रहा है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक नेमत है। बस अल्लाह की नेमत के साथ अच्छा सलूक करो और हर हाल में उस पर खुदा का शुक्र अदा करो। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इमाम जमात का हक। पेश नमाज का तुम पर यह हक है कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान राबिता और बारगाह खुदा में तुम्हारा नुमाइंदा है और तुम्हारी तरफ से बात करता है, ना कि तुम उसकी तरफ से। वो तुम्हारे लिए दुआ करता है, ना कि तुम उसके लिए। वो तुम्हारे लिए मांगता है जबकि तुम उसके लिए नहीं मांगते। उसने खुदा की बारगाह में खड़े होने और तुम्हारे लिए उससे सवाल करने को अपने जिम्मे लिया है जबकि तुमने उसकी तरफ से कोई चीज अपने जिम्मे नहीं ली है। अगर इस काम में कोई कमी होगी तो उसका अंजाम उसी को भुगतना पड़ेगा, ना कि तुमको। अगर वो गुनाह
करेगा तो उसके गुनाह में तुम उसके शरीक नहीं हो और उसे तुम पर बरतरी नहीं है, वो तुम्हारी ढाल बन गया है और अपनी नमाज को उसने तुम्हारी नमाज की ढाल बना दिया है, लिहाजा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमनशीन का हक ये है कि उसके साथ नरमी से पेश आओ, खुश अखलाकी से उसका इस्तकबाल करो और उसे खुश आमदीद कहो और उससे गुफ्तगू के दौरान इंसाफ से काम लो। उससे अचानक मुंह न मोड़ लेना और जब गुफ्तगू करो उसमें तुम्हारा मकसद उसे समझा होना चाहिए। अगर साथ बैठने में तुमने पहल की है और उसके हमनशीन बने तो तुम्हें अख्तियार है कि जिस वक्त चाहो उठ जाओ, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आकर बैठा है तो इख्तियार उसको है, मगर ये कि तुम उससे इजाजत लो। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पड़ोसी का हक ये है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करो और उसकी मौजूदगी में उसका एहतराम करो और हर हाल में उसकी मदद करो। उसके राज की टोह में ना रहो और उसकी बुराइयां ना ढूंढो। अब अगर ना चाहते हुए भी आसानी से कोई बुराई मालूम हो जाए तो उसके लिए मजबूत किला और ऐसा मुस्तहकम पर्दा बन जाओ कि अगर उसे नैजों से भी भेदा जाए तो आश्कार ना हो सके। छुप कर उसकी बातें ना सुनना, मुसीबत में उसे अकेला ना छोड़ना, उसे नेमत मिले तो हसद ना करना। देखो उसकी गलतियों को माफ कर दिया करो और अगर नादानी करे तो सब्र और बुर्दबारी से काम लिया करो। उसके साथ अच्छा सलूक करो और बदजबानों को उससे दूर रखो। झूठे खैरख्वाहों का पर्दा फाश कर दो और उसके साथ नेकी करते रहो। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमराह का हक। तुम्हारे दोस्त और साथी का हक ये है कि जहां तक हो सके उसके साथ सखावत करते रहो, वरना कम से कम उसके साथ इंसाफ से काम लो। और जिस तरह वो तुम्हारा एहतराम करता है तुम भी उसका एहतराम करो। जिस तरह वो तुम्हारी हिफाजत की कोशिश करता है तुम भी उसकी हिफाजत की कोशिश करो। किसी भी अच्छे काम में उसे तुमसे आगे नहीं जाना चाहिए और अगर वो तुमसे आगे निकल जाए तो तुम भी कोशिश करो और उसे उतनी मेहनत देने से पीछे ना हटो कि जितनी का वो मुस्तहक है। तुम अपने ऊपर ये वाजिब कर लो कि उसका खैरख्वाह मुहाफिज और अपने रब की इताअत में उसके मददगार रहोगे और इस सिलसिले में उसकी मदद करोगे कि वो अपने परवरदगार के गुनाह का इरादा भी न करे। फिर तुम उसके लिए रहमत बनो ना कि अजाब। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शरीक का हक ये है कि अगर वो मौजूद ना हो तो तुम उसके कामों को अंजाम दो और अगर मौजूद हो तो उसे अपने बराबर करार दो और उससे मशवरे के बगैर कोई इरादा और मंसूबा ना बनाओ और उसके लिए उसके माल की हिफाजत करो और उसके साथ तुम खयानत न करो, क्योंकि हमें ये खबर मिली है कि दो शरीकों के ऊपर उस वक्त तक खुदा का हाथ है जब तक उन्होंने खयानत नहीं की है। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माल का हक यह है कि उसे हलाल तरीके से ही हासिल करो और हलाल रास्ते में ही खर्च करो और बेवजह खर्च न करो, सही रास्ते में खर्च करो और जो माल तुम्हारे पास है वो खुदा का माल है, उसे राह खुदा में खर्च करो और उस चीज में खर्च करो जो खुदा तक पहुंचाए और जो तुम्हारा शुक्रगुजार नहीं है उसे अपने ऊपर मुकदम न करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि इस सिलसिले में इताअत तर्क न करो कि वो दूसरों के लिए तुम्हारी मीरास बन जाएंगे और तुम वारिस के मुआविन करार पाओ और वो उसको तुमसे बेहतर रास्ते में और इताअत खुदा में खर्च करे, उसे इसका फायदा हो और गुनाहो अफसोस तुम्हारे हिस्से में आए और खुदा की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। कर्ज खाह का हक। अपना कर्ज मांगने वाले का हक ये है कि अगर तुम्हारे पास है तो उसका कर्ज अदा कर दो और उसका काम चला दो और उसे बेनियाज कर दो। टाल मटोल करके उसे परेशान न करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने फरमाया है, सर्वतमंद का कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उससे नर्म लहजे में बात करो, मोहलत तलब करो और सलीके से वापस कर दो कि तुमने उसका माल ले रखा है। उससे बदसुलूकी ना करो क्योंकि ये पस्त और गिरी हुई बात है, खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं है। मुआशिर का हक। तुम्हारे साथ रहने वाले का हक ये है कि उसे फरेब ना दो, उससे दगा ना करो, उससे झूठ ना बोलो, उसको गाफिल ना करो, उसके साथ दुश्मन जैसा सलूक ना करो कि जो मद्दे मुकाबिल का कोई पासो लिहाज नहीं करता। अगर वो तुम पर एतमाद करता है तो जहां तक हो सके उसके लिए कोशिश करो और ये बात तुम जानते हो कि एतमाद करने वाले को धोखा देना सूद खाने की तरह है और खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं है। मुद्दई का हक। जिस शख्स ने तुम पर दावा किया है उसका तुम पर यह हक है कि अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो उसकी दलील को बातिल न करार दो और उसके दावे का इनकार न करो, बल्कि उस मौके पर तुम अपने मुखालिफ बन जाओ
और उसके हक में अपने खिलाफ फैसला करो और गवाहों की गवाही के बगैर उसके हक के गवाह बन जाओ। और अगर उसने तुम्हारे खिलाफ झूठा दावा किया है तो उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसको डराओ, उसे उसके दीन की कसम दो और खुदा को याद दिलाकर उसकी शिद्दत और सख्ती को घटाओ। उसके साथ सख्त कलामी से पेश ना आओ, क्योंकि ये काम दुश्मन के लिए जुल्म को तुमसे नहीं हटा सकता, बल्कि उससे तुम गुनाह के मुर्तकिब होगे और उसकी वजह से दुश्मन की तलवार तुम्हारे लिए और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि बुरी बात शरंगेज होती है जबकि नेक और अच्छी बात बुराई की जड़ काट देती है। और खुदा की ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। मुद्दई अलैह का हक, लेकिन जिस पर तुमने दावा किया है उसका तुम्हारे ऊपर ये हक है कि अगर तुम इस दावे में हक पर हो तो उससे हक लेने के लिए तहम्मुल और सब्र से काम लो, क्योंकि उसके लिए दावा शदीद झटका है। उसे आराम के साथ अपनी दलील समझाओ, उसे मोहलत दो और वाज़ह और रोशन बयान के जरिए उससे पूरी मेहरबानी के साथ पेश आओ और उसके साथ बहस में अपनी दलील से हाथ न खींच लो कि तुम्हारे हाथ से दलील निकल जाए और फिर तुम उसकी इस्लाह न कर सको। खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं है। मशवरा लेने वाले का हक, जो तुमसे मशवरा लेता है उसका हक ये है कि अगर उसके काम के बारे में तुम्हारे पास कोई राह हल हो तो उसकी खैरखाही के लिए कोशिश करो और तुम जो कुछ जानते हो वो उसे समझाओ और उससे ये कहो कि अगर तुम इसकी जगह होते तो इसी पर अमल करते। ये इसलिए है ताकि तुम्हारी तरफ से उस पर मेहरबानी हो, क्योंकि नरमियों मेहरबानी वहशत को खत्म कर देती है, सख्ती वहशत पैदा करती है। और अगर तुम उसे कोई मशवरा नहीं दे सकते लेकिन तुम्हारी नजर में कोई ऐसा आदमी हो जिस पर तुम्हें एतमाद है और उससे मशवरा लेने को पसंद करते हो तो उसकी तरफ उसकी रहनुमाई कर दो और उसे उसका पता बता दो। उसके बारे में कोई कोताही न करो और उसकी खैरखाही से पीछे न हटो। खुदा की पनाह के अलावा कोई पनाह नहीं और उसकी ताकत के अलावा कोई ताकत नहीं है। मशाविर का हक, लेकिन जो तुम्हारा मुशीर है और तुम्हें मशवरा देता है उसका तुम्हारे ऊपर ये हक है कि अगर उसकी राय तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम उस पर इल्जाम न लगाओ, क्योंकि तुम्हारे नजरियात और राय के लिहाज से लोग मुख्तलिफ होते हैं। फिर अगर उसकी राय में तुम्हें कोई खराबी नजर आए तो तुम्हें अख्तियार है, लेकिन उस पर इल्जाम लगाना जायज नहीं है, खुसूसन जब तुम्हारे नजदीक उसमें मशवरत के शरायत पाए जाते हों। और अगर वो तुम्हें नेक मशवरा दे तो उसका शुक्रिया और खुदा की हमदो सना को फरामोश न करो और इस इंतजार में रहो कि अगर वो कभी तुमसे मशवरा करे तो तुम उसे उसका बदला ऐसे ही दो। खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं। नसीहत तलब करने वाले का हक, जो तुमसे नसीहत चाहता है उसका हक ये है कि उसे इतनी नसीहत करो जितना उसका हक है और जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, और इस अंदाज में नसीहत करो कि उसके कान को भली लगे, उससे उसकी अक्ल के मुताबिक बात करो, क्योंकि हर अक्ल के लिए एक मखसूस अंदाज बयान होता है, वो उसी को समझती है। और तुम्हारा अंदाज नर्म होना चाहिए। नसीहत करने वाले का हक, नसीहत करने वाले का हक ये है कि उसके साथ इनकसारी से पेश आओ और दिल की गहराइयों से उसकी तरफ तवज्जो दो और उसकी तरफ कान लगाओ ताकि उसकी बात को समझो, फिर उसकी नसीहत के बारे में गौर करो। अगर उसकी बात सही है तो उस पर खुदा का शुक्र अदा करो और उसको कबूल कर लो और उसकी नसीहत की कद्र करो, और अगर उसकी बात सही नहीं है तो उस पर मेहरबान रहो और उस पर इल्जाम न लगाओ। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि उसने तुम्हारी खैरखाही में कोई कोताही नहीं की है। हाँ, उससे गलती हुई है। अगर वो तुम्हारे नजदीक मोरदे इल्जाम है तो फिर किसी भी हाल में उसकी बात पर एतमाद न करो। खुदा की इनायत और कुदरत के अलावा कोई कुदरत और ताकत नहीं है। बुजुर्ग का हक, बुजुर्ग का हक ये है कि उनकी उम्र की वजह से उनका एहतराम करो और इस्लाम की वजह से उनका एहतराम करो, क्योंकि इस्लाम लाने में तुमसे आगे बढ़ जाने की वजह से कोई फजीलत मिली हो। अगर वो तुमसे इख्तिलाफ करें तो उनका मुकाबला न करो, और अगर साथ चलने का मौका मिले तो उनसे आगे न चलो। अगर वो किसी बात से नावाकिफ हों तो उनकी नादानी को उनके सामने बयान न करो, और अगर उन्होंने तुम्हें नादान कह दिया तो बर्दाश्त करो, क्योंकि इस्लाम के साथ साथ उम्र में भी तुमसे बड़ा है, क्योंकि उम्र की कदर व कीमत इस्लाम की वजह से है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। छोटे का हक, छोटों का बुजुर्गों पर हक ये है कि वो उन पर मेहरबानी करें और उनकी तालीम और तरबियत के लिए कोशिश करें, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करें, उनकी खताओं पर पर्दा डालें, उनसे नरमी बरतें और मुश्किलात में उनकी मदद करें। अगर जवानी की वजह से उनसे कोई नादानी हो जाए तो उसको छुपाएं, क्योंकि ये अमल उनके तौबा करने का सबब बनेगा। उनसे तकरार न करें, क्योंकि ये उनकी तरक्की में रुकावट बनेगा। साइल का हक,
साइल का हक यह है कि अगर तुम्हारे पास सदका तैयार है तो उसे दे दो और उसकी जरूरत को पूरा कर दो और उसकी गुर्बत के दूर होने की दुआ करो और उसकी तलब में उसकी मदद करो। और अगर तुम्हें उसकी सच्चाई में शक हो और इस सिलसिले में उस पर पहले तोहमत लगाई जा चुकी हो और तुम्हें उसका यकीन ना हो तो उस तोहमत की परवाह न करो। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे हिस्से से महरूम करना चाहता हो और वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के तकर्रुब में हायल होना चाहता हो, लिहाजा उसे उसके हाल पर छोड़ दो और उसे मुनासिब जवाब दो। और इस सूरत में भी अगर उसे कुछ दे दो तो ये बहुत अच्छा है। मसूल का हक, जिससे मांगा और तलब किया जा रहा है उसका हक ये है कि अगर उसने कुछ दिया है तो उसे शुक्रिया के साथ कबूल कर लो और उसकी कद्र करो, और अगर वो कुछ ना दे सके तो उसे माफ कर दो। उसके बारे में हुस्ने जन रखो और ये जान लो कि अगर मना किया है तो अपने माल से मना किया है, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, ख्वाह वो जालिम ही हो, क्योंकि इंसान जालिम है और हक को छुपाने वाला है। खुश करने वाले का हक, जिस शख्स के जरिए खुदा ने तुम्हें खुशो मसरूर किया है उसका हक यह है कि अगर उसका इरादा तुम्हें खुश करना था तो पहले उसका शुक्रिया अदा करो, फिर उसे इतनी जजा दो कि जितना उसने तुम्हें खुश किया है, और हमेशा उसके एहसान का बदला चुकाने की फिक्र में रहो। और अगर उसका इरादा तुम्हें खुश करना नहीं था तो खुदा की हमद और उसका शुक्र अदा करो, और ये जान लो कि ये खुशी उसी की तरफ से है, और चूंकि वो तुम्हारे लिए खुदा की नेमतों का सबब बना है इसलिए उससे मोहब्बत करो और उसके लिए खैरख्वाह रहो, क्योंकि नेमतों के असबाब भी नेमत हैं, चाहे कहीं भी हो और वो उसका कस्त भी ना रखता हो। तुम्हारे साथ बुराई करने वाले का हक, लेकिन उसका हक कि जिसने कौलो फेल से तुम्हारे साथ कोई बुराई की है, अगर उसने जान बूझ कर ऐसा किया है तो बेहतर यह है कि उसे माफ कर दो ताकि कदूरत की जड़ कट जाए और खलक़े खुदा में से उस जैसे बहुत से लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, क्योंकि खुदावंदे आलम का इरशाद है, जिसने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम ले लिया तो उस पर कोई इल्जाम नहीं है, नेज इरशाद है ये काम सही है। फिर फरमाया, अगर सजा दो तो वैसी ही सजा दो जैसा तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये साबिरों के लिए बेहतर है। ये तो जानबूझकर बुराई करने की सूरत में है, लेकिन अगर जानबूझकर बदी न की हो तो तुम जानबूझकर उस पर जुल्म न करो। अगर तुम जानबूझकर उसके साथ बदी करोगे तो खताकार करार पाओगे। जहां तक हो सके उसके साथ नरमी से पेश आओ और उसके साथ मोहब्बत आमेज सुलूक करो। हम मजहब का हक, तुम्हारे आम हम मजहब का तुम्हारे ऊपर ये हक है कि तहे दिल से उनकी खैरियत और सलामती तलब करो और उनके लिए रहमो मेहरबानी के पर फैलाओ और उनके सामने तवाजो करो, उनसे उनसो मोहब्बत पैदा करो, उनकी इसलाह करो और उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करो कि जिसने अपने उनके और तुम्हारे ऊपर एहसान किया, क्योंकि उसका अपने ऊपर एहसान करना ऐसा ही है जैसे तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो, इसलिए कि तुम्हें अजियत और तकलीफ नहीं दी है और अपने खर्च से तुम्हें बेनियाज रखा है और अपने को तुमसे बाज रखा है। बस तुम उन सब के लिए दुआ करो और अपनी नुसरत से उन सब की मदद करो और उनमें से हर एक के लिए एक मखसूस मकाम व मर्तबा करार दो। उनके बुजुर्ग को अपने वालिद की जगह समझो और उनके बच्चों को अपनी औलाद के बराबर समझो और दरमियानी उम्र वाले को अपना भाई करार दो। जो भी तुम्हारे पास आए लुत्फ़ो मेहरबानी से उसकी दिलजोई करो और अपने भाई को भाई के हक से मालामाल कर दो। अहले किताब का हक, लेकिन अहले जिम्मा यानी इस्लाम की पनाह में रहने वालों का हक ये है कि उनकी उस चीज को कबूल कर लो जिसको खुदा ने कबूल किया है और उस अहद व जिम्मेदारी को पूरा करो जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की है, और अगर वो मजबूर हों या उसे चाहें तो वो उन्हें दो और उनसे मामले में खुदा के हुक्म पर अमल करो। और चूंकि वो इस्लाम की पनाह में है लिहाजा खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के अहद पैमान को वफा करने के लिए उन पर जुल्म न करो, क्योंकि हम तक ये बात पहुंची है कि फरमाया, जिसने उस शख्स पर जुल्म किया जिससे मुआमला किया है मैं उसका दुश्मन और मुखालिफ हूँ, अल्लाह से डरो, खुदा की ताकत और कुव्वत के अलावा कोई ताकत नहीं है। ये हक हैं जो तुम्हारे पूरे वजूद को ढाके हुए हैं और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम इनके अहाते से बाहर नहीं निकल सकते। इनकी रियायत करने और इनको अदा करने की कोशिश करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है और खुदा से मदद तलब करो ताकि वो तुम्हें इन हुकूक को अदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और खुदा के अलावा कोई ताकत व कुदरत नहीं है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।